पढ़ाई है क्या, पहले इसको समझते हैं। जो हम पढ़ते हैं सुबह से रात तक वो क्या है? उसमें तीन चीजें हैं। एक है वर्ड्स, आपकी बुक्स में क्या है वर्ड्स, इंटरनेट पे आप क्या पढ़ते हो वर्ड्स, बुक में पढ़ा एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, गूगल पे जाकर के सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो वर्ड, उसका मतलब निकल करके आ रहा है वो क्या है वर्ड, ठीक है। उन वर्ड से रिलेटेड इमेजेस माइंड में पड़ी होती है, वर्ड्स अपने आप में समझ नहीं आते। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी कोई इमेज माइंड में पड़ी ही नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है, तो आप समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते तो याद कैसे करोगे? चैलेंज हमारा क्या है, पकड़ में आ रहा है ना, हाँ, कि याद करना है और इस तरीके से याद करना है कि उसको हम भूले ही ना। एक है वर्ड्स, दूसरे हैं नंबर्स, है कि नहीं, नंबर्स। तीसरा क्या है, सिंबल्स। तो अगर किसी तरीके से इन नंबर्स के साथ में हम कुछ इमेजेस को जोड़ दें और उन इमेजेस के साथ में कहानी जुड़ी हुई हो, जिस कहानी का हीरो मैं हूं, तो इस कहानी के बेस पे हम कोई भी नंबर याद कर सकते हैं। सिंबल्स को उसमें कन्वर्ट कर दें तो सिंबल्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई फॉर्मूला है उसको हम याद कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उसकी हमको कहानी बनानी है। 1, यहां पर हमको राइमिंग कोई वर्ड्स पकड़ने होंगे। 1, रन। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं 1 घंटे से भाग रहा हूं पागलों की तरह। मैं मतलब आप, आपका मैं, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है लेकिन उस स्वेटिंग में से बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही, मतलब कि मेरा जो स्वेट है उसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मतलब जो बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम है मार्केट में उससे भी बढ़िया, और मैं इस वजह से भागे ही चले जा रहा हूं क्योंकि जितना मैं भाग रहा हूं उतना पसीना आ रहा है और जितना पसीना आ रहा है उतनी खुशबू आ रही है, तो इस खुशबू की वजह से मैं भाग रहा हूं। अब आते हैं 2 पे। 2 सुनते ही लू भी आ रहा है, हाँ हाँ राइट, मेरे भी माइंड में दो वर्ड आ रहे हैं इस वक्त, लू आ रहा है और जू आ रहा है, जू पकड़ लेते हैं। जू, 2, जू। एक जू में मैं गया हूं और ये जू बड़ा ही अजीब है। इस जू के अंदर सिर्फ 2 पिंजरे हैं, जू बहुत बड़ा है लेकिन जू में सिर्फ 2 पिंजरे हैं, और एक पिंजरे के अंदर एक बंदर है और एक बंदरिया है और दूसरा पिंजरा खाली पड़ा है और वो दोनों डांस कर रहे हैं। लेटेस्ट गाना कौन सा है, हम्मा हम्मा जो गाना आया है उसके ऊपर वो दोनों डांस कर रहे हैं। जो बंदरिया है उसने पिंक कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है और बंदर नंगा है। इतनी देर में जू के कुछ ऑफिशियल्स आए और मुझे उठा करके उन्होंने दूसरे पिंजरे में डाल दिया और अब मैं पिंजरे के अंदर फंसा हुआ हूं, अपने मैंने हाथ बाहर निकाले हुए हैं लेकिन सामने डांस भी चल रहा है तो एंजॉय भी कर रहा हूं और जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो मुझे देख करके एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसा जानवर है? इसके साथ में आप और भी अपनी फीलिंग्स को जोड़ सकते हो, वो आपकी अपनी इमेजिनेशन है, जैसे वहां पे स्मेल कैसी आ रही है, क्या आवाजें आ रही हैं, वहां पे क्या दिख रहा है, किस कलर्स का दिख रहा है, क्या फॉर्म्स दिख रही है, उसको आप पूरे तरीके से इमेजिन कर सकते हैं और बड़ा आसान है इमेजिन करना क्योंकि हमने ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखी है। आगे बढ़ते हैं, 2 जू, 3 ट्री। चलो इसकी भी कोई कहानी बनाते हैं बढ़िया सी। मैंने अपनी एक रेगिस्तान वाली कहानी सुनाई थी पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में, कि रेगिस्तान में आप खोए हुए हो, भाग रहे हो इधर से उधर, पागल हुए पड़े हो, पानी की एक बूंद तक नहीं मिली और 3 दिन हो गए और 3 दिन बाद रेगिस्तान में जहां पर सिर्फ रेत है और आसमान है वहां पर आपको 3 पेड़ नजर आए। उन 3 पेड़ों के ऊपर 3-3 आम लगे हुए हैं और आप भागते हुए गए और आपने वहां पर फटाफट से उस पेड़ पर चढ़े, आम तोड़े और अब आप आम खा रहे हो मजे से। मुझे एक ऐड आती है ना कैटरीना कैफ वाली, वैसा कुछ इमेजिन कर सकते हो, रसिया। आगे बढ़ते हैं, 4 दौड़। 4 दौड़। आप 4 दरवाजों के सामने खड़े हुए हो। पहला दरवाजा है सबसे छोटा, बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा दरवाजा कि उसमें आप घुस नहीं सकते अंदर, 1 फुट का, वो है लोहे का दरवाजा, सबसे सस्ता। उसके साथ में एक दरवाजा है वो बड़ा है, 2 फुट का है, वो है चांदी का दरवाजा। उसके साथ में एक और दरवाजा है वो और बड़ा है, वो है सोने का दरवाजा, 3 फुट का। सोचो कितना भारी होगा, कितना महंगा होगा। किसी तरह से दरवाजा आपके हाथ लग गया, पढ़ाई वढ़ाई आप अभी छोड़ सकते हो चाहो तो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं।
लेकिन क्योंकि एक इमेजिनेशन है तो उसको वहीं तक रखते हैं। चौथा दरवाजा, पहला है लोहे का, दूसरा है चांदी का, तीसरा है सोने का, चौथा दरवाजा है डायमंड्स का, 4 फुट का बड़ा दरवाजा, उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, चमक रहे हैं, उस पर सनलाइट पड़ रही है, उसमें से रेज निकल रही है, चमक रहा है, और आप उस दरवाजे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 हाई, बी हाई होता है, मधुमक्खी का छत्ता। आप इमेजिन करो कि मधुमक्खी का छत्ता आपके घर में लगा हुआ है, आपके घर में जो किचन है वहां पर, ठीक जो गैस है ना उसके ऊपर, जब भी गैस ऑन होती है, फिर चाहे वो आप करो चाहे आपकी मदर करे, उसमें से 5 मधुमक्खियां निकल करके आती है और आपकी जो 5 उंगलियां हैं उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है और काटने लग जाती है। ये हो गया 5, 6 सिक, हाँ सिक आ रहा है, अगर जल्दी बोलो तो सिक, राइमिंग हो गया। आप बीमार हो, बहुत तेज बुखार है, और बुखार भी इतना जिसमें नॉर्मली लोग मर जाते हैं, 106 लोग पकड़ करके आपको एक डॉक्टर के पास में ले गए, और डॉक्टर ने 6 इंजेक्शन एक के बाद एक धार 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 लगाए और आपका बुखार उतर गया। ये थी हमारी 6 नंबर की कहानी, 6, 6। 7 हेवन, हाँ हेवन सही आ रहा है, हेवन से क्या आता है, स्वर्ग, स्वर्ग से माइंड में क्या आता है, अप्सराएं, जो लड़कियां हैं वो कुछ और सोच सकती हैं। तो आप बाहर एक मैदान में खड़े हुए हो और आपके सामने अभी अभी बारिश हो चुकी है और एक रेनबो निकला हुआ है, तो उस रेनबो में से वो 7 अप्सराएं निकल करके आपकी तरफ आ रही हैं उड़ती हुई आराम से, वो पंख लगाए हुए, और वो जो 7 अप्सराएं हैं वो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, और उसमें से जो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो आपके पास में आई और उसने अपना हाथ आगे कर दिया और आपने उसका हाथ पकड़ लिया और वो 7 और आप 1 हमेशा के लिए 1 हो गए। मुझे कभी बता चाहिए ये सब क्या कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते, 8 वेट, आपका जो वेट है वो बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने 8-8 इंच के 8 रसगुल्ले खाए, अरे 8 इंच का रसगुल्ला, सोचो कैसा होगा, एक होता है एक मजा नहीं आ जाएगा, उल्टिया करोगे, डॉक्टर पिछवाड़े पे 6 नहीं लगाएगा 8 लगाएगा आपकी बात। तो 8-8 इंच के आपने 8 रसगुल्ले खा लिए, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो 8 किलो बढ़ गया। उन रसगुल्लों को आप इमेजिन कर सकते हो, यू एट, एटी वाला, 8 EIGHT वाला रसगुल्ला, बिकॉज ऑफ विच योर वेट इंक्रीज्ड बाई 8 EIGHT वाला केजी वाला, ठीक है, बन गई कहानी, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 9 लाइन, ये कौन है लाइन मारने वाली बंदी, 9 वाइन, हाँ वाइन, वाइन शराब, जब अब सराए आगे तो वाइन में चला। 9 वाइन के ग्लास एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं और आपके 9 दोस्त वहां पर खड़े हुए हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं वाइन के ग्लास पीने के और आप मना कर रहे हैं, आप कह रहे हो नो, हाँ अबे बन गया, नो, ये सही बना है, 9 वाइन के ग्लास एक के ऊपर एक पड़े हैं, वो आपको फोर्स करे जा रहे हैं, आप पीते नहीं हो, आप बड़े शरीफ हो, आप सिर्फ अप्सराओं के साथ में रहते हो लेकिन शराब नहीं पीते, नो शराब, नो। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 10 डेन, हाँ डेन, डेन मतलब DEN, डेन, एक शेर की गुफा है, ठीक है, आप अंदर गए और जाकर के देखो सामने से 10 शेर आपके सामने है और उन्होंने 10 के 10 ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, आप अकेले हो, निहत्ते हो, मतलब आपके पास में कोई हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर आपको मेरा एक सेशन याद आया, आपने कहा अपने अंदर ही अंदर बोलना शुरू किया, आसान है, और आपके अंदर पता नहीं कहां से शक्तियां आई और उन 10 से आप अकेले लड़ने लग गए, एक को किक मारा, एक को पंच मारा, एक को ये, एक को चाटा ही मार दिया जा करके, तेरी तो मुझे खाई अगले पटा, और उनको सबको उठा करके आपने उन्हीं की गुफा से बाहर फेंक दिया और आप वहां पर गुफा में आराम से बैठे हुए और उसकी शेरनी के साथ में रह रहे,
बस मैंने ये कहा रह रहे बाबू कहानी बन चुकी है, आप लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। फाइव बोलो भाई, ये कैसे याद हो गया? मैं कुछ भी बोल सकता हूं, वर्ड बोल सकता हूं, आपको नंबर बताना है, नंबर बोलूंगा आपको वर्ड बताना। एट, टू, डेन, थ्री, ये भी याद हो गया। अगर वैसे हम याद करते हैं इसको तो कितनी देर लगती है 10 वर्ड्स को याद करने में? हमें 10 वर्ड्स याद हो गए और विद सीक्वेंस याद हो गए हैं, और आपको एक एक करके नहीं आना पड़ रहा है, नहीं तो आपको कैसे आना पड़ता? मैं आपसे पूछता, सेवन इतनी जल्दी कैसे बोल दिया? अगर वैसे याद करते जैसे हम करते हैं तो कैसे याद करते? 1 पे ये था, 2 पे ये था, 3 पे, 4 पे क्या था, 5 पे, 6 पे, 7 पता नहीं है कि नहीं? हाँ, अभी क्या हो रहा है? 7 हेवन, और हेवन से आगे आगे बढ़े। हाँ हाँ, क्या हुआ था? कहानी भी याद है, मतलब आपको सिर्फ वर्ड ही याद नहीं है, कहानी भी याद है। देखो वो क्या रहा, ये मैंने एक बार सुनाया आपको, मतलब इसको अगर आप अपने माइंड में 3-4 बार 5 बार अगर प्ले कर लिया तो सोचो क्या हुआ, मरते दम तक नहीं भुला पाओगे इसको। ट्री, वाह जी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, लगते शक्ल से बोंदू लगते हो। स्वेटिंग, थ्री, मतलब मैंने भी वर्ड नहीं बोला, मैंने कहानी का एक छोटा सा एस्पेक्ट बोला, आपको वो तक याद है? मतलब मैं कुछ भी बोलूंगा, चाहे मैं कहानी बोलूं तो आप बता दोगे इमीडिएटली कहानी से कहां आओगे, वर्ड पे आओगे, वर्ड से आओगे आप सीधा नंबर पे, नंबर बोलूंगा तो आप वर्ड पे आ जाओगे, वर्ड से आप कहानी पे, मतलब कहीं भी घूम सकते हो। ऐसे करके आप पूरी की पूरी कहानियां बना सकते हो, और इन कहानियों के बेस पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है।